उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यूपी के दौरे पर। पुष्कर धामी ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। इस दौरान पुराने कई मुद्दों पर आज मंथन के बाद सहमति बन गई। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जल्दी प्रदेश स्तरीय विवादों को सर्वे कर खत्म करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पूरे गर्मजोशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं और अपने राज्य की तरफ से सीएम योगी का आभारी हूं। उत्तराखंड बनने के बाद से ही कई शासकीय विवाद पर आज सहमति बन गई है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा के बाद बनी सहमति। न्यायालय में चल रहे प्रदेश स्तरीय मुकदमे वापस होंगे, 21 वर्षों से लंबित मामलों का होगा निस्तारण। आज 1700 मकान और 5700 एकड़ भूमि पर बनी सहमति। 15 दिन के अंदर यूपी और उत्तराखंड के अफसरों के बीच होगी बैठक। बनबसा बैराज का पुनर्निर्माण होगा, किच्छा बैराज भी बनेगा। यूपी परिवहन से 205 करोड़ का भुगतान करेगा। वन विभाग का चला आ रहा 90 करोड़ का बकाया पर बनी सहमति। साथ ही आवास का 50-50% बंटवारा होगा। किच्छा में बस स्टैंड उत्तराखंड को मिल जाएगा। माइक माइक गलत है ना, माइक का मुंह घुमा हुआ है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जनता की तरफ से अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सारे आज जो हमारे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सारे प्रकरण जो पिछले 21 वर्षों से चले आ रहे थे, उन सभी पर सहमति बन गई है, उन सभी का निस्तारण हो गया है। एक एक करके जो सिंचाई विभाग जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के बीच में बंटवारा नहीं हो पा रहा था, उसमें आज सहमति बन गई है कि अब 15 दिन के अंदर दोनों राज्यों की उसमें एक बैठक होगी, उसका एक तरह से मुद्दों का सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर जितनी भूमि उत्तर प्रदेश को जरूरत है वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, जितने मकान की उनको जरूरत है वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, बाकी का सब उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो बैराज है एक भारत नेपाल सीमा पर चंपावत जिले में बनबसा में जो बैराज है वो काफी पुराना हो गया है, तो बैराज का पुनर्निर्माण किया जाएगा, दोबारा नया बैराज बनाया जाएगा और साथ में जो किच्छा का बैराज पिछली जो 18 और 20 अक्टूबर को जो आपदा आई थी उस आपदा में उसको भी काफी नुकसान हो गया है, वो भी बनाया जाएगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।